आप सब, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप लोग के सामने एक वीडियो लेके आ गई हूँ, जिसमें मैं आप लोग को बताऊँगी कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि हर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके पहले मैंने इसका एक पार्ट वन वीडियो भी बनाया है, जिसमें मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर मैं आप लोग को कमेंट करने के लिए बताई थी। तो देरी ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं शिवांगी पांडे आप सभी का मेरे चैनल राशियों में स्टडी पॉइंट पे स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक बार फिर से 14th क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ, जो कि इस वीडियो में मैंने नहीं दिखाया है, पार्ट वन में आप देख लीजिएगा। किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है, जिसमें आप लोगों को चार विकल्प दिए गए थे, चार ऑप्शन दिए गए थे। ए है जिस स्त्री को कोई संतान ना हो, बांझ। बी है जो बहुत बोलता हो, मितभाषी। सी है क्रम के अनुसार, यथाक्रम। डी है जो स्मरण रखने योग्य है, स्मरणीय। ये है आपका 14th क्वेश्चन, जिसका आंसर मैंने आप लोगों को कमेंट करके बताने के लिए बोला था। तो चलिए मैं आप लोग को फिर से आगे बढ़ती हूँ, मैं आप लोग को फिर से क्वेश्चंस देती हूँ, जिसको आप लोग भी बताएंगे और मैं भी आप लोग के साथ बताऊँगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न को पढ़ने से पहले मैं ऊपर दिए हुए नोटिस को पढ़ लेती हूँ। प्रश्न संख्या 15 से 26, दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। इसके लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। 15वें क्वेश्चन को देखते हैं। तेज चलने वाला, ऑप्शन ए गतिशील, ऑप्शन बी चुस्त, ऑप्शन सी कर्मठ और ऑप्शन डी द्रुतगामी। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। तेज चलने वाला, इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, द्रुतगामी। तेज चलने वाले को हम द्रुतगामी कहते हैं। बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। बिना स्वार्थ के काम करने वाला, ऑप्शन ए सहायक, बी निस्वार्थी, सी पुण्यात्मा और डी हितैषी। 16वां क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो है बी निस्वार्थी। वो बिना किसी स्वार्थ के या बिना आपके किसी मतलब से अगर आपके कोई कार्य को करता है तो वो होता है निस्वार्थी। 17वें क्वेश्चन को देखते हैं। किसी की सहायता करने वाला, ऑप्शन ए सहकार, बी सहायक, सी सहद, सहृदय और डी सहचर। चार ऑप्शन है। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करती हूँ। किसी की सहायता करने वाला, इसमें आपका ऑप्शन है बी जो कि सही है, सहायक। 18वें क्वेश्चन को देखते हैं। जिसका निवारण करना कठिन हो, ए अनिवार्य, बी अपरिहार्य, डी दुर्निवार्य और सी अवश्यम भावी। चार ऑप्शन है। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। जिसका निवारण करना कठिन हो, इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, दुर्निवार। 19वें क्वेश्चन को देखते हैं। 19वें क्वेश्चन को देखते हैं। आशा जगाने वाला, ऑप्शन ए है आशाजनक, बी आशातीत, सी आशानुगत और ऑप्शन डी आशीष। चार ऑप्शन है। क्वेश्चन है आपका आशा जगाने वाला, तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो है ए आशाजनक। 20वें प्रश्न को देखते हैं। जो सबके लिए हो, ए सार्वजनिक, बी सार्वभौमिक, सी सार्वकालिक और डी सार्वदैशिक। चार ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या है? जो सबके लिए हो, तो वो है ए ऑप्शन सही है, सार्वजनिक। 21वें क्वेश्चन को देखते हैं। पर्वत की तलहटी, चार ऑप्शन, बेसिन,
बी घाटी, सी उपत्यका और डी द्रोड़। चार ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है सॉरी क्वेश्चन क्या है, पर्वत की तलहटी। 21वें क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो है सी उपत्यका, उपत्यका ऑप्शन सही है। 22वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, ऑप्शन क्या है मसृण, बी मित्य व्ययी, सी अल्प व्ययी और डी कृपण। चार ऑप्शन है, क्वेश्चन क्या है कंजूसी से धन व्यय करने वाला, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है बी मित्त व्ययी, मित्त व्ययी 22वें क्वेश्चन का ऑप्शन सही है। 23वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, ऑप्शन ए वसुंधरा, बी माते, सी वीर प्रसु और डी इनमें से कोई नहीं। 23वें का जो ऑप्शन सही है वो है सी वीर प्रसु, वीर पुत्र को जन्म देने वाली जो स्त्री होती है वो है वीर प्रसु। 24वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो सबसे आगे रहता हो उसको डैश कहते हैं, जो सबसे आगे रहता हो उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन ए है अग्रणी, बी अनादि, सी अनुकरणीय और डी अवैध। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में जो सही है वो है ए अग्रणी, जो सबसे आगे रहता हो उसको अग्रणी कहते हैं। वीडियो के आखिरी क्वेश्चन 25वें क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, ऑप्शन ए है जिसका इलाज कठिन हो दुसाध्य, बी है जो मनुष्यता से दूर हो, जो मनुष्यता से दूर हो, सी जो कम खर्च करने वाला हो अपव्ययी, डी है जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो प्रागैतिहासिक। ठीक है, चार ऑप्शन है, क्वेश्चन क्या है वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, वो है आपका 25वें का सी, सी ऑप्शन सही है जो कम खर्च करने वाला हो अपव्ययी। ठीक है, ये जोड़ा गलत है। तो आई होप आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन चूज़ करें ताकि हमारे चैनल पे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।